getting any award, so I'm very happy right now, and I would like to thank Bazooka Media and my manager and my family for this. And let's see abhi kaise hota hai andar. Okay, like they didn't announce it yet, so we have to wait for that. Once we get inside, we will get to know. Okay, thank you. Yes, thank you. Pardon, sorry, what did you say? Before she replies, I'll just give you a small thing. ये ट्रिपल आई ए दिस इज द फिफ्थ सीजन ऑफ ट्रिपल आई ए इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स. ये पांचवा साल है, पांचवा एडिशन हो रहा है. और रिमी जी इज नॉट ओनली अवर अवार्ड ही शी इज अवर सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर द डे. सो मोर आई विल जस्ट पास ऑन टू शी विल टॉक मोर अबाउट द इवेंट. टुडे वी ऑल आर हियर. गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी ऑल आर हियर फॉर दिस अवार्ड फंक्शन ट्रिपल आई ए. एंड वेन एवर कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और नए अचीवमेंट्स को सम्मान देने का मौका मिलता है. तो इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो वेन एवर आई गो एनी वेयर, आई मीट न्यू पीपल एंड आई फील वेरी गुड. सो टुडे आई मेट कुणाल एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम. एंड मे बी हम लोग आगे भी बहुत सारा काम करेंगे एक साथ, बहुत सारे इवेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा सम्मान देते रहेंगे और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो आगे और अच्छा काम करें और ज़्यादा उनका फ्यूचर अच्छा बनाने की कोशिश करें. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. एज ए जैसे मैडम ने बताया ट्रिपल आई ए एंड मोर अबाउट अवार्ड्स. अवार्ड इज़ लाइक ऐसी चीज़ है कि लोग जब हम किसी को हॉनर करते हैं या कोई सम्मानित होता है तो उसका एक अपने दिल से ऐसा होता है कि नहीं, इसके लिए मुझे और अच्छा काम करना है, आगे और अच्छा करना है. एक मोटिवेशन मिलता है और लोग और अच्छा अपने चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और हम कोशिश करते हैं जिनको इस बार अवार्ड मिल रहा है उनको तो बेस्ट विशेस है ही. जो लोग नॉमिनेट होके मिस कर चुके हैं, हम विश करते हैं कि वो अगली बार ज़रूर नॉमिनेट हो और विन करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हर साल वो ट्रिपल आई अवार्ड्स करते हैं और हमको इंस्पिरेशन मिलती है कुछ अच्छा काम करने की. और हम लोग लोगों से जुड़े रहते हैं और इंस्पायर होते हैं कि अवार्ड्स मिलते रहे और लोगों के दिल में जगह बनाते रहे. थैंक यू सो मच. आई कुडंट हियर. मैं बहुत खुश हूँ मुझे इन्वाइट किया गया है एंड होपफुली आई गेट सम अवार्ड. एंड आप लोग एवरीबडी इज कम हियर. इट्स आई डोंट नो, लेट्स सी. आई एम नॉमिनेटेड, मुझे नॉमिनेट किया गया है तो होपफुली आई गेट अवार्ड. कुणाल ठक्कर और उसकी पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. उसको मोटिवेट करने यहाँ पर मैं आया हूँ. मेरे साथ में प्रसिद्ध उद्योगपति खुद्दार जी यहाँ पर है, कोठारी जी यहाँ पर है और हम दोनों भी उनको प्रोत्साहित करने आए हैं. कोठारी जी, कुणाल जी ने आज जो आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और अच्छी सेलिब्रिटीज को बुलाया है. और मेरे भाई अभिजीत राणे साहब, उनका ऊपर बहुत बड़ा वरदस्त है और सदैव उनके प्रोग्रामों में उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं. यानी इवन टोक्यो जब प्रोग्राम हुआ तब भी राणे जी साथ में ही थे. तो मैं उनका, राणे जी का और कुणाल जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज मेरे को ये कार्यक्रम में आने का मौका मिला. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. To see you all also always. Good to see you all also always. यू नो, ये अवार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स को रिवॉर्ड करना, उनके काम को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक ना फोटोग्राफर्स में से भी आप लोग भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, तो नेक्स्ट टाइम आपकी भी कैटेगरी होनी चाहिए. बट कैसी लगी आप लोग को चंदू चैंपियन? यू नो, मुरलीकांत पेटकर जी की ऊपर फिल्म है, उनकी लाइफ बोलना बहुत ज़रूरी था. आई थिंक आफ्टर पोस्ट कोविड ऑल्सो ना हम कहीं सहम गए हैं, अभी तक खुले नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स. अभी भी हमको चाहिए कि जोश हो कि ठीक है हम गिरते हैं लाइफ में,
हम पढ़ते हैं, हालात बुरे होते हैं, बट कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो और फिर जीत उसी की होती है जो इंसान मेहनत करता है। तो आई थिंक आप लोगों को वो मैसेज मिला चंदू चैंपियंस से, वी गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। साजिद वाज अप्रिशिएटेड फॉर ब्रिंगिंग द स्टोरी, कार्तिक ऑफ कोर्स वाज अप्रिशिएटेड फॉर हिज परफॉर्मेंस बिग टाइम, कबीर डिड अ गुड जॉब, द होल टीम पूरा दिलो जान से अच्छी नीयत के साथ के लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले। आई थिंक कुणाल इज अ वेरी, कुणाल ठक्कर बहुत मेहनती इंसान है एंड मैंने देखा है उनका ग्रोथ, मैंने देखा है कुणाल ठक्कर का ग्रोथ, ही इज़ वेरी गुड, हर चीज़ बहुत पैशनेटली करते हैं, फुल पैशन से करते हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ही इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर एंड आई एम श्योर वेरी सून ना इट्स गोइंग टू बी नंबर वन अवार्ड नाइट एंड सब तड़ेंगे तड़पेंगे और मरेंगे ये शो में आने के लिए। MD इन होम्योपैथी एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आप लोगों ने जो इंडिया इन्फ्लुएंसर 2024 इंटरनेशनल जो अवार्ड के लिए जो हमें बुलाया, नॉमिनेट किया, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है, जो एक नया रिसर्च है WHO को, हम जो डेटा 3000 से ज़्यादा जो क्योर्ड पेशेंट्स का डेटा है जो सबमिट करने जा रहे हैं कि एक तरीके से नया रिसर्च जिसे हम नाम दे रहे हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, और जो डेटा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए जान बचाने में मदद करेगा और लोगों को एक नया विश्वास दिलाएगा कि होम्योपैथी को हम फास्टेस्ट ट्रीटमेंट के रूप में, रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप में जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपका जो योगदान है कि आपने मीडिया के थ्रू हमें जो मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं वंस अगेन आप सभी स्पॉन्सर्स को और आप सभी सहयोगी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि हमारी जो रिसर्च है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू WHO तक पहुँचे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा और भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन फ्रॉम इंदौर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, नमस्कार। दीज अवार्ड्स आर ऑलवेज स्पेशल और कुणाल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और हमेशा उसके अवार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हिम फॉर अनदर ईयर ऑफ सच नाइस अवार्ड, सक्सेसफुल अवार्ड्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम नॉमिनेटेड सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप आई गेट एन अवार्ड टुनाइट। और हाँ, जाकर अंदर अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, इट्स ऑलवेज नाइस टू ड्रेस अप ब्यूटिफुली एंड लुक नाइस। जी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, ऑफकोर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग एंड क्योंकि उस शो में बहुत ज़्यादा इंडियन लुक है मेरा, तो इसके लिए अवार्ड्स इज लाइक अ चेंज ताकि मेरी ऑडियंस को दोनों मेरे रूप देखने को मिले। बहुत प्यारा कैरेक्टर है ना, आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा हो मेरा वो कैरेक्टर और प्लीज़ देखते रहिए मेरा शो ताकि मैं बहुत सारे अवार्ड्स जीतती रहूँ। थैंक यू स्पिरिचुअल हीलर। इट बहुत ही अच्छा इवेंट है, यहाँ पे इतने अच्छे डिफरेंट प्रोफाइल्स के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हैं एंड बहुत इन्फ्लुएंसर की एक ड्यूटी है राइट अवेयरनेस क्रिएट करना, सो आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू। ओके, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। एक्टर, प्रोड्यूसर, ओके, दिस सेंटर। ओके, एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर मुझे अवार्ड मिला है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कुणाल का, IIIA का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से मुझे यू नो दे गेव मी अ प्राइड मोमेंट। थैंक यू। कुणाल ऐसे ही अवार्ड करते रहो, मैं आपको प्रॉबेबली 2013 से जानती हूँ और आपने हर अवार्ड्स फंक्शंस में मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अवार्ड करते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, आर्टिस्ट लोगों को तराशते रहिए और हम सबको अवार्ड देते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ, पिछली बार का मैं मिस कर दिया था क्योंकि आई वॉज इन दुबई दैट टाइम और इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। कुणाल भाई का स्पेशल मुझे मैसेज आया कि इस बार मिस नहीं करना है, तो या आई एम हियर। यार इम्पोर्टेंट अवार्ड्स नहीं होते मुझे लगता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है और जब हमारे काम को प्यार मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अवार्ड एक निशानी होती है,
जैसे आज मेरा एक गाना था जीने की तमन्ना, जो अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वायरल चल रहा है, उस पर रील्स भी 1.1-1.2 मिलियन रील्स बन चुकी है। तो उसी गाने के लिए मुझे उन्होंने स्पेशल बुलाया था कि आपका गाना काफ़ी वायरल हुआ है, हिट हुआ है, तो हम चाहेंगे उस गाने के लिए आपको एक अवार्ड दें। तो या हम यह थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। इट्स एन अमेजिंग अवार्ड्स दैट एक्नॉलेजेस ऑल ऑफ आवर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुनाइट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द नॉमिनीज एंड एवरीबॉडी इज गोना बी हियर सेलिब्रेटिंग दिस अवार्ड। First of all, thank you so much for all your love and appreciation. I am very, very grateful and thankful for it. We've crossed like about 10 million views. So really thank you for all that love, and I hope that you do continue to give us this love, and there will be more Hindi songs coming for you guys, so I hope you guys like that too. तन्हा समय यहाँ खुद से मैं क्यों लापता, भीगे से है कुछ अरमा, दिखता ना कोई नशा यहाँ। थैंक यू। The award show, I'm very excited and happy to be here. You know, just looking forward for the event, and it's a great platform for, you know, where they're acknowledging all our arts and crafts. So yeah, just really excited to be here. Thank you. क्या बोला जाता है? It's fabulous actually. It's my first experience with Kunal Thakkar ji, and I used to go in events. I'm an artist and model. I have done many serial with Balaji Pavitra Bandhan. Ye hai Mohabbate character role, Crime Patrol, in some movies, Calendar Girl. Many movies I've done, South movie, Punjabi movie. So I'm an artist and model. I used to do modeling. Thank you. It's a wonderful opportunity to celebrate the actors and the influences of the industry, so it's good to be here. If you ask me personally, I don't know the importance of it. For me personally, it doesn't really matter too much. But yes, I mean, if it is an acknowledgement among people, among the industry people and on social media, that's what makes it relevant enough. But I think one should keep working without desiring any kind of award or reward, so to say. Thank you so much. Thank you. यार स्पिचला के बाद काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो। दुबई से सीधा आई हूँ अभी फ्लाइट लेके, एंड आई वुड लव टू डू बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, मे बी बालाजी के साथ काम करना है। आई वॉन्ट टू वर्क इन मूवीज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक इट्स रियली सैड बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो वुमेन को ज़्यादा इजी है टारगेट करना, एंड आई फील रियली बैड फॉर हर, बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई नो शी विल राइज फ्रॉम दैट, शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, शी स्टिल इज, वी मीट, वी टॉक। आई एम रियली हैप्पी विद जशवन एंड आकृति'ज विन, दे टोटली डिजर्व इट। अवार्ड शो के बारे में बोला मैंने, बहुत अच्छे अवार्ड्स है, क्रेजी। थैंक यू सो मच। Negative actor of Indian television, and I really want to thank the sponsors for this award, and thank you so much for appreciating the look. I actually worked hard for this. बहुत सारी मेहनत के बाद I finally decided कि मुझे क्या पहनना है। Currently तो कुंडली भाग्य चल रहा है, कुंडली भाग्य के बाद definitely एक web series की बात चल रही है, तो maybe soon you'll see me on OTT. मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग ये जो अवार्ड्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ आर अप्रिसिएशन, और इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल, थैंक यू। फंक्शंस में आके आप
काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, वी सेलिब्रेट ईच अदर, तो एक ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। सभी को अपने अपने टैलेंट के लिए अवार्ड मिले और मे द बेस्ट पर्सन विन द अवार्ड। Of course, Aditi. I was rooting for Aditi because we have a common link. हम लोग इससे पहले भी जी के शो में ऑलमोस्ट ऊपर नीचे वाले शो में थे, लाइक टाइम स्लॉट वाइज, एंड नाउ इट्स रबसे है दुआ जिसका कनेक्शन है। Aditi was a part of रबसे दुआ, आई एम अ पार्ट ऑफ रबसे दुआ, तो या दैट इज द कॉमन कनेक्शन एंड आई वॉज रूटिंग फॉर हर। Big question every time is big boss. अब फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा रब से है दुआ में, दुआ करने में बिजी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है अभी। अच्छा जी, ऐसा है क्या, आपसे पता चल रहा है, मुझे तो ये पूछना पड़ेगा मुझे उससे। कल शूट पे मैं बात करती हूँ ज़रा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो कि बिग बॉस मटीरियल क्या होता है, बट अबाउट हिम ही इज लाइक अ किड। मतलब ऑन द सेट वी हैव सो मैनी किड्स, हमारे शो में सब लोग बच्चे ही हैं, रेमन मैम से लेके आम्र मैम, एवरीबडी इज अ किड। तो धीरज इज ऑल्सो लाइक दैट, बहुत मस्तीखोर है और मतलब अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक फन विल बी फन वेर एवर। वो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब इबादत को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती है, तो क्योंकि इबादत से ऐसे दिल जुड़ गया है, तो इबादत को प्यार मिलता है तो मैं अपने आप ऐसे डबल खुशी में आ जाती हूँ कि ये शायद हैप्पी इबादत हैप्पी ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू। इस एडिशन है लेकिन ये मेरा पहला है, इसीलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ आज यहाँ आज यहाँ आके। सो थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू IIA। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर अ लवली इवनिंग एंड आई एम ड्रेस्ड अप एंड आई एम मीटिंग यू ऑल। आई एम वेरी हैप्पी। मैम जो आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या कैटेगरी में मिल रहा है, कितना एक्साइटमेंट अवार्ड मिलेगा आपको? अवार्ड तो अभी जाके देखेंगे। सच? थैंक यू। वैसे आप लोगों ने कवर किया है, अच्छा तो लगेगा ही, और इतने अच्छे से मैम बना रही है, डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। डायन को सब पसंद करते हैं। मैम तो मेरी मतलब मैं उनकी फेवरेट हूँ और वो मेरी फेवरेट है, उन्होंने मुझे सब कुछ मतलब बनाया है लिटरली। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे फिर से याद किया और हमेशा मैं करती रहूँगी। जब तक लोगों को मैं बहुत पसंद आऊँगी तब तक करती रहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। इंग्लिश हिंदी हिंदी ओके। वैसे मैं क्या बताऊं कि हर इतने मुझे अवार्ड मिले हैं, बचपन से मुझे अवार्ड मिल रहे हैं और अभी भी इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, पर हर अवार्ड स्पेशल होता है क्योंकि हर अवार्ड ये बताता है कि आपको लोगों ने पहचाना है, आपके काम की प्रशंसा हुई है, राइट? इसलिए हर अवार्ड इम्पोर्टेंट। और ये भी मैम जैसे आप कहते हैं काशी का सनावार हर गाना अभी भी बढ़ता रहता है, तो कैसे लगता है अभी भी बढ़ता काशी? ओह माय गॉड, क्या मैं क्या व्याख्या क्या कर सकती हूँ, मुझे कैसा लगा, आपको कैसा लगेगा बताएं? अमेजिंग अमेजिंग लगता है, अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता है कि ऐसी पिक्चर में मैंने काम किया था।
फिर से कुछ आपका आने वाला प्रोजेक्ट आपको मैम कुछ नहीं आने वाला प्रोजेक्ट मैम? हाँ, तो अब आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा, कोई आने वाला प्रोजेक्ट जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। करना पसंद करेंगे बिग बॉस? बिग बॉस नो, बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस। मिला मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर, और ये साल की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई फ्रॉम आर्टिकल 370, दैन दो दिन पहले वेडिंग स्टोरी गॉट रिलीज, और द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ, एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई हैव टुडे आई हैव गॉट एन अवार्ड फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर। के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला अभी, वो मैं लेकर आया हूँ, और बाकी कोई स्पेशल खास बात नहीं है। बाकी ये चश्मा लगा देते हैं तो थोड़ा सा अक्षय सर जैसा दिखते हैं, वो तो ग्रेट है, हम कोशिश करते हैं उनके जैसा लिखने की। मुझे लगता है कि अक्षय सर ने 30-35 साल में जो काम किया है, जितनी फिल्में उन्होंने हमें दी है, तो अभी जो भी वो कर रहे हैं वो बोनस है, और ईश्वर करे उनकी फिल्म जो अगली फिल्म में आए वो हिट हो। शो में अभी हमने परसों हनी सिंह पाजी के साथ में किया, बहुत कमाल का एपिसोड हुआ, और वो अभी इस फ्राइडे को वो आने वाला है, और आप अभी तक जितने भी एपिसोड्स हमने किए हैं वो सबसे बेस्ट अभी हनी सिंह के साथ में है जो हमने किया। वो बिग बॉस जाने का बिल्कुल इरादा है, लेकिन मेरा एक मीटिंग भी हुआ था उनके साथ, तो गलत बात ये हो गई कि उन्होंने पहले मुझसे सारे सवाल पूछे, फिर उन्होंने पूछा कि आपको हमारा शो कैसे लगता है। मैंने कहा एक्चुअली कभी कभी आप लोग ज़्यादा कर देते हो, जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है वो भी घुसा देते हो, उनको बुरा लग गया थोड़ा, पर ज़रूरत जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ज़िंदगी में चार चीज़ों की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ। थाईलैंड, दुबई, मिसेस इंडिया, मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, द फेम ऑफ इंडिया, ताज जिंकलेला आहे, आणि थाईलैंडला मी मिस वर्ल्ड विनर झालेली आहे। तसेच मी अमरावती संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाची विद्यार्थिनी हूँ। चल, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है फॉर कॉमेडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी रोल। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माय कैरेक्टर फॉर विच आई एम विनिंग दिस अवार्ड, एंड सो इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। मुझे अवार्ड मिल रहा है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी रोल फॉर माय कैरेक्टर श्रेया इन एक्समिक्स, एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वर्क टू प्रिपेयर फॉर द रोल इन द कैरेक्टर, सो गेटिंग दिस एक्नॉलेजमेंट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू। विद विशाल मिश्रा, तेरी हो गई यहाँ ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल 3 का, जो हम मैं और पारस छाबड़ा कर रही हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। आप सब लोग देखना, और गाने को ऑलरेडी गाना इज हिट बिकॉज ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का सॉन्ग है, उसको और अच्छा बनाना, हमारा वीडियो को अप्रिशिएट करना। 10 सितंबर रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम ऑल्ट, एंड मेरे साथ पारस छाबड़ा है को एक्टर, सो मुझे लक देना कि गाना ब्लॉकबस्टर जाए, इसके लिए अवार्ड मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम बंगाली, दिस इज़ माई 10th हिंदी सॉन्ग, तो मुझे अच्छा लग रहा है हिंदी में काम करके। थैंक यू। मेरा जो म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है उसके लिए मिला है, और 10th को मेरा और एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रहा है जो मैंने अभी बोला तेरी हो गई या, तो ज़रूर आप लोग देखना और उसको अप्रिशिएट करना। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई अवार्ड प्रॉब्ली मतलब रिसीव करने आ रहा हूँ, पहले मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते क्या होता है। नहीं, मैंने नॉमिनेशन देखा था, उसमें बस नॉमिनेशन का नाम आया था, मैंने पूरा उसमें टाइटल नहीं देखा। मेरे को भी आप लोगों से ही सुनने में आ रहा है कि नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है।
ये मुझे जब वहाँ से कन्फर्मेशन आएगी तब पता लगेगा, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। कौन सा गेट टुगेदर? वो डेढ़ महीने पुराना था, तो वहाँ पे एक ही हम शो करने गए हुए थे, एक ही जगह में थे, दैट्स ऑल, बाकी कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई हमारी। नहीं, फ्रेंडशिप जोन तो नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश होगी, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं इस बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, काफ़ी बार पहले भी अपने फैंस से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हेट वगैरह मत दो, शो हो गया, ख़त्म हो चुका है, अब लाइफ आगे बढ़ रही है, आगे वाली चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, एक म्यूज़िक वीडियो मैंने शूट कर रखी है, बाकी और कुछ चीज़ों पे बातचीत चल रही है। उन्नति के साथ बढ़िया है, हम लोग चले अभी कल में चंडीगढ़ से, हम लोग साथ थे एंड वी एंजॉयड, बढ़िया से, थैंक यू। भाई नज़दीक में तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं और ऐसा लगता है, बट एक्चुअली नहीं होते तो भी मैं तारीफ ही करता। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा शो है, ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है जब सेलिब्रिटीज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, तो जिस तरह का एक जमावड़ा, जब ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है कोई भी फंक्शन, अब कितनी भी सिक्योरिटी कर दो, कितना भी वो होमवर्क कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे टू पुल दिस ऑफ इज वन वेरी बिग फीट। तो अभी तो आई थिंक सो इज स्टिल गोइंग, अवार्ड फंक्शन तो अभी भी चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने काफ़ी शोज किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो बोलता ही है, बट यू नेवर नो कब क्या होता है कि 5 मिनट में जो 50 मेन सेलिब्रिटीज़ है वो 5 मिनट में आ जाते हैं, तो आप किस तरह से वो 5 मिनट में हैंडल करोगे? ट्रिपल आइए, आप लोगों के साथ से, सर जैसे हमारे वेल विशर्स और इनकी ब्लेसिंग से, वी हैव, दिस इज द 5th सीजन वी आर डूइंग, होप सक्सेसफुली हम कर ही रहे और ये सक्सेसफुल होगा, और ऐसे हम बहुत शोज आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से, सर जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे, हम इससे बेटर और बड़ा और आगे बढ़ के अच्छे शोज करते रहेंगे। बहुत गेस्ट है, देर आर गेस्ट लिस्ट इज 80 to 100 सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम टेलीविजन, बॉलीवुड, OTT, बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी अलग बहुत सारे हैं, इट्स ग्रैंड। अभी तो आई थिंक हमारे खाली गेस्ट लिस्ट में आज 25-30% लोग आए, अभी तो 75% आना बाकी है, इट्स गोइंग टू बी ग्रैंड। सर आप लोग साथ में रहोगे और आप जैसे लोग हमारे को सहयोग करोगे तो हम इससे बड़े बड़े और इससे बेहतर और आगे अच्छे शोज कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तैयारी चल रही है और 24th को निकाह है, 25th को वलीमा इंशाल्लाह। अब कार्ड बढ़ चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है, पहले मिलता तो बोलते था मेरा तो, हाँ बेस्ट विशेष तो हमेशा है, मेरा छोटा भाई है, दुआ मुबारकबाद हमेशा रहेगी, एंड अच्छा लगता है कि ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, इनकी वजह से आजकल हमको काम मिल रहा है, हम सीख रहे हैं इनसे कैसे सोशल मीडिया पे होना है, बट सोशल मीडिया पे हम जूनियर है बेटा, आप लोग बहुत सीनियर हो। भारी तो बहुत था, हर तरीके से भारी पड़ा था, पर अभी भी फाइनल नहीं हुआ, अभी कल वापस शॉपिंग पे जाने गए। अगर जाएगा तो सपोर्ट करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे फैसल के लिए साथ में, और उम्मीद करते हैं, चाहते हैं हम लोग भी देखना उसको, पर मुझे नहीं लगता वो जा रहे। तुमको बहुत बढ़िया, आयशा है और चेहरा रिवील नहीं करूँगा मैं, और कुछ चीज़ें प्राइवेसी में ही बेहतर है, तो मैं मेरी लव लाइफ, सोशल लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक और जज्बा पैदा होता है काम करने का, अप्रिशिएट करते हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेरा शायद आई थिंक 3rd ईयर है IIA अवार्ड में, तो आया हूँ मैं, जस्ट अभी एंटर किया हूँ और जा रहा हूँ अंदर, थैंक यू, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन की तरह है, क्योंकि हमको भी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है, हमको भी लाइफ में चीज़ें चाहिए जो हमको इंस्पायर करें. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर द आर्टिस्ट जो लोग मेहनत कर रहे हैं जानवर लिए. एस बी यू एस से घूम रही है किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ? यार अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, और एक बहुत ही बड़ा वीडियो अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें हम लोगों ने 40 लोगों को साथ में लिया है, और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जो लास्ट वीडियो को सब लोगों ने प्यार दिया था, ये वीडियो उस वीडियो से ज़्यादा बॉम्ब होने वाला है. फर्स्ट यार बोहिमिया पाजी बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनसे डेट लेने में कॉल करने में टाइम लगता है, बट डेफिनेटली जब आएगा बहुत प्रॉमिसिंग होगा. और जैसे बोहिमिया पाजी ने लेजेंडरी चीज़ें करी हैं लाइफ में, वैसे ही मुझे भी करनी, तो थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों में. मुझे मिल रहा है मेरे लास्ट शो के लिए फॉर द नेगेटिव रोल दैट आई डिड द मेन लीड, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. नेगेटिव लीड, सो माय लास्ट शो मिलके भी हम ना मिले, आई वाज द लीड ऑफ द नेगेटिव लीड ऑफ द शो, सो आई हैव बीन या दंगल चैनल. थैंक यू सो मच. ये बहुत नई है, मज़ा भी आ रहा है. देख, हाँ मेरा नाम सुधीर यदुवंशी है, मैं इंडियन प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ, और रिसेंटली दो बड़े हिट मेरे गाने आए हैं. एक तो शंभू है जो अक्षय कुमार सर के साथ में है, दूसरा सभी ने मूवी देखी होगी किल, मूवी देखी होगी किल, किल का जो एक गाना है कावा कावा, वो भी मेरा गाना है. बिल्कुल आप सभी के लिए पेशे खिदमत. काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए, हर सितम नू हर जुलम सीने ते ले जावा. सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, कित्थों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, कित्थों लब के लिया मेरा यारा. अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज यू नो इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स, एवरीवन इज़ ऑन द सेम यू नो फ्लोर एंड एवरीवन इज़ हियर, और आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू बी हियर. अदा जी आज जो अवार्ड मिल रहा है किस कैटेगरी कौन से शो के लिए? I वो जाके मैं अभी देखती हूँ, बिकॉज आई एम हियर एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. अब जो अवार्ड मिलेगा मैं आपको बताऊँगी आपके संभालों से. आप ही हैं? हाँ क्या? थैंक यू सो मच. वेल ये मेरी स्टाइलिस्ट है निधि खुर्दा, एंड शी इज़ गिविंग मी दिस. मुझे आज थोड़ा अलग लगना था, यूजुअली आप मुझे ब्लैक में देखते हो, बट टुडे आई थॉट क्यों ना एक नया कलर और नया हेयर स्टाइल चुनूँ, बिकॉज जैसे हमेशा दिखती हूँ उससे थोड़ा अलग दिखना चाहिए. आई शुड ऑलवेज ट्राई न्यू स्टाइल एंड दैट्स व्हाट आई डिड टुडे. और जैसे ही पिटारा बॉक्स लेकर जाएगा आपको ज़रूर बताऊँगी मैं. थैंक यू वेरी मच. इधर आने के लिए आई फेल्ट वेरी गुड. थैंक यू टू कुणाल सर आई अवार्ड, सो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. अभी रिसेंटली कल की 2898 आई प्रभास सर की, उसमें आई हैव डन यंगर भैरवा, एंड एक अपकमिंग प्रोजेक्ट और भी है. देख सकते हैं राहुल जतिन, राहुल विद डबल ए, और ज़रूर देखेगा, बहुत खूबसूरत गाना है. अवार्ड शो है यार, किसको अच्छा नहीं लगता है अवार्ड शो में. मैं बेस्ट सिंगर में जी आया है मौसम बारिश का भीगे बिना ना जाना, बस मैं हूँ और तुम हो, मौसम है ये मस्ताना. थैंक यू यार. दे रहे हैं तो हम अवार्ड लेने आए हैं, अवार्ड लेंगे, थैंक यू कहेंगे, आप लोगों को थैंक यू कहेंगे और चले जाएंगे. नहीं, अवार्ड
इम्पॉर्टेंट होते हैं, यू नो, एक तरीके से हमें पता चलता है कि जो काम हमने किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा, सो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक प्यार का रिमाइंडर है ऑडियंस और हमारे बीच जो रिश्ता है उसका, सो इट्स नाइस। ये सब किसी चीज़ की तैयारी में है, आपको जल्दी दिखेगा। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिली है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी का, जिन्होंने मुझको अपनी वेब सीरीज़ पौरुषपुर 3 में डबल रोल करने का अवसर प्रदान किया, तो इस डबल धमाल के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, ऑल्ट की टीम ने मुझको ये बताया कि पौरुषपुर 3 और पौरुषपुर 2 ये दो ऐतिहासिक वेब सीरीज़ रही हैं और आज तक इनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, बिग बॉस करने का इरादा अगर एट द मॉल से आता तो आप करना पसंद करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर लोग जाते नहीं है, तो अगर सलमान खान जी बुलाएंगे तो ज़रूर जाना चाहूँगी। थैंक यू। अच्छा काम कराने के लिए उनसे ये उनको एक पुश देते, तो ऐसे अवार्ड फंक्शन होते हैं और होने भी चाहिए, और ये एक कलाकारों के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। सर, आप काफ़ी सारे अवार्ड मिले, काफ़ी सारे शो किए, सर अभी क्या चल रहा है, बेटर आने वाला बताएं? अभी मैं घूमे किसी के प्यार में कर रहा हूँ स्टार प्लस पे, और काफ़ी हिट शो है, काफ़ी लोग उसको प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अगेन वही बात, अवार्ड आपको एक अच्छा काम करने के लिए हौसला देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो लेकर जाएंगे उस कॉन्फिडेंस को साथ में और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा इनिशिएटिव है यार, इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं लेकिन एक्टर हूँ, एक्टिंग से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में शायद एक टाइम था जब मैं देखता था कि अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स होनी मुझे मिलने चाहिए, लेकिन अब मैं नॉमिनेशन के साथ भी खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और मेरे कैटेगरी में तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ, पिछले 3 महीने से दाढ़ी बढ़ रही है, हमारे एक फिल्म करने जा रहा हूँ, वो अनाउंस करेंगे बहुत शॉर्टली, एक्सेल के साथ है, इंशाल्लाह 4 तारीख को लद्दाख जा रहे हैं तो शूटिंग के लिए इसलिए बढ़ाई है। खुद की दाढ़ियाँ बढ़ते रहती है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। On Discovery Plus OTT, it's an adventure show, तो आप मुझे मौत के घाट उतरते हुए देखेंगे। कैरेक्टर भी एडवेंचर शो है भाई, स्टंट करा रहे हमसे ऑन डिस्कवरी प्लस, तो आप मुझे लिटरली मौत के घाट उतरते हुए देखेंगे, देखना ज़रूर। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं मैंने, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाई, बट मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, आप सब देखना ज़रूर। अवार्ड शो के बारे में आई एम रियली थ्रिल्ड, आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अ वर्सटाइल आइकन, वर्सटाइल एक्ट्रेस, एंड दे हैव रिकग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड मी फॉर द वर्सटैलिटी दैट आई होल्ड व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल प्रोफेशंस, टू द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड and thank you for having me. Thank you. Awards for inviting me here and having me here, and that's it. Expect a good show. That's all. Music, independent music artist. How was your personal life? I mean, listen.
it's not the end all be all. If you get, if you don't get, it doesn't make you good or bad. Me too, I'm missing her too. She's at home relaxing. I know. Triple I Awards ka 5th edition hai and I'm very very excited and dekhna hai ki andar kya chal raha hai. Main to I've just entered and aapko pata hai aajkal influencers ka zamana hai. So dekhte hai, let's see I'm pretty happy, let's see. Haan, hum logo ne I think 1.5 million cross kiya hai kuch ghanton mein and let's see. You know, सोनू कक्कर जी ने गाया है, दीप जी है, मैं हूँ, प्रतीक है, सो इट्स डूइंग प्रीटी वेल एंड थैंक यू आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया. यू गाइज वर ऑल देयर यस्टरडे फॉर द इवेंट, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. लेट्स सी, आई होप 10-15 मिलियन तो जाए. विशाल जी की नेक्स्ट फिल्म ख़त्म करी है, टिस्का मैम की एक और फिल्म ख़त्म करी है, एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है, सो ये 3-4 चीज़ें. थैंक यू. Thank you so much. I got this most stylish icon of the year award. So I'm super happy. Happy to be here. आने वाला अभी आई एम गोइंग फॉर शूटिंग, मतलब अभी एक शॉर्ट फिल्म हमने जस्ट की है राजकुमार यादव की और मैंने, जो कैन फिल्म फेस्टिवल में गई थी इस बार.